नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित किए जाने वाले शानदार कार्यक्रमों की। तो शुरुआत करते हैं धारावाहिक महाराजा रणजीत सिंह के साथ और देखते हैं कि आज क्या कुछ खास रहेगा धारावाहिक महाराजा रणजीत सिंह में। ये वारिस से आपका क्या मतलब है? वारिस कौन होगा इसका फैसला तो उसी वक्त हो गया था जब लामा फेरे लिए थे मेहताब ने। तो देखते रहिए धारावाहिक महाराजा रणजीत सिंह सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक श्री गणेश में आज आप देखेंगे कि दक्ष अहंकार में श्री गणेश की पूजा करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि इस पृथ्वी के परम देव हम स्वयं हैं, हमें किसी की पूजा की आवश्यकता नहीं है। प्रथम पूज्य परम देव श्री महागणेश अग्र पूजा के अधिकारी हैं, इसलिए हमें विघ्न बाधाओं का अंत करने के लिए सर्वप्रथम विघ्नेश्वर श्री महागणेश को पूजा कर संतुष्ट करना होगा। इस पृथ्वीलोक के परम देव हम स्वयं हैं। तो आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक श्री गणेश सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक द्रौपदी में आज आप देखेंगे कि द्रौपदी अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़कर कृष्ण की चोट पर लगा देती हैं। कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि ये उन पर उनका कर्ज है और आने वाले समय में वो इसे चुका देंगे। मेरे बहते रक्त को रोककर तुमने मेरे जीवन की रक्षा की है, इस कारण मैं तुम्हारा ऋणी हुआ। रक्षा के इस बंधन एवं साड़ी के इस टुकड़े का मैं ऋण चुकाऊंगा। तो आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक द्रौपदी सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। और अब बात करते हैं धारावाहिक क्योंकि जीना इसी का नाम है कि इस धारावाहिक में आज आप देखेंगे कि कजरी के घर वाले ये सुनकर हैरान रह जाते हैं कि कजरी इतनी छोटी उम्र में माँ बनने वाली है। इधर मंगत मिताली को चेतावनी देता है कि वो अपनी हद में रहे। पर उसे हुआ क्या है बहन जी? हुआ मैं माँ बनने वाली। तुम्हारे जैसा आदमी कर ही क्या सकता है, और वो भी जरूरी काम। अपनी हद में रहना सीख लो, खुश रहोगी। तो क्या मिताली पर मंगत की चेतावनी का असर होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक क्योंकि जीना इसी का नाम है सोमवार से शुक्रवार सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार कार्यक्रमों का आप उठाते रहिए आनंद, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।